जी सभी को नमस्ते। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप अपनी बात कह सकूं। हालांकि यूएचवी जो काम कर रहा है उससे मेरे सभी प्रतिभागी और जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं सभी उससे भली भांति परिचित हैं। यूएचवी की कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षा में सुधार करके हम आने वाले समाज में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं उसके लिए धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। और ये कार्यशाला कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इससे हमारा कितना टेक अवे हो सकता है, हमारे सीओ सर ने भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ शेष ज्यादा नहीं रह जाता है। फिर भी मैं चूंकि इस कार्यशाला को 2 बार ऑनलाइन अटेंड कर चुका हूँ, 1 बार ऑफलाइन अटेंड कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस कार्यशाला से कैसा महसूस करता हूँ अगर मैं इस बात को कहूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे प्रतिभागियों के लिए ज्यादा सार्थक बात हो सकती है। तो मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसे साथी होंगे जो पहले इस कार्यशाला को अटेंड कर चुके हैं और बहुत सारे साथी नए भी होंगे। तो मैं सिर्फ इस बात को इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि मैंने जब इस कार्यशाला को अटेंड किया तो उस कार्यशाला को अटेंड करने के बाद मैंने मेरे जीवन को एक सर्किल के रूप में देखा कि मैं कैसा था, मैं क्या करता था और इस कार्यशाला से मेरी समझ में क्या रूपांतरण हुआ या क्या मैं चीजों को सही तरीके से समझ पाया। तो साथियों, मेरा ये अनुभव था कि जिस तरीके से बचपन से ही अगर मैं अगर देखता हूँ तो ये सब कुछ बहुत इंडिविजुअल था। बचपन से ही आपको क्या पसंद है, क्या खाने में पसंद है, क्या कपड़े पहनना पसंद है, जैसी आपकी पसंद होती है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरी भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि जो मेरी आवश्यकताएं अल्लाह हैं, जो मेरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए और मैं संतुष्ट था इस बात से। कुछ लोग ऐसे करते करते पूरी शिक्षा हो गई कोई निकाल और देंगे। कुछ चीजें आपके अनुकूल हुई, कुछ चीजें आपके अनुकूल नहीं हुई। जब चीजें आपके अनुकूल नहीं हुई तो हमारे जिस परिवेश में मैं हूँ वहां एक बड़ी सामान्य सी परिस्थिति है कि जिस व्यक्ति से कोई बात हो गई जो आपकी अनुकूलता, किसी आदमी ने बात नहीं की तो उससे बात करना बंद कर दीजिए। और मुझे भी ये तरीका बहुत सहज लगा और मैं इस तरीके के साथ बड़ा कंफर्टेबल था। पर कभी कभी जिस आदमी से आपकी बात बंद हो गई, आप एक ही परिवेश में रहते हैं, वो आपके क्लोज का आदमी भी हो सकता है, वो आपके आमने सामने तो कभी आएगा, मिलेगा भी आपको, तो उस समय उसको देखने से आपको या तो आप उसको अवॉइड करते हैं या आपके मन में जो भाव आते हैं वो थोड़े से विपरीत होते हैं। पर उस समय ये समझ नहीं थी कि इन भाव को हम देख लें और इन भाव को देख करके हम हमारी कोई भूमिका हो सकती है, ये बात समझ में नहीं आती थी। वो सबसे अच्छा तरीका यही लगता था कि ठीक है, एस्केप ही सबसे अच्छा तरीका है, अवॉइड कर दीजिए, कुछ भी मत कीजिए। और सब लोग ऐसा ही करते हैं, ये हमारे परिवेश में भी मैंने यही देखा, तो वो तरीका बिल्कुल आसान लगता था और कभी ऐसी बड़ी भारी कोई समस्या भी नहीं होती। पर धीरे धीरे बात यहाँ नहीं चलती, फिर आप जॉब में आ जाते हैं, फिर आप जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, फिर आप राज्य स्तर के अधिकारी होती हैं, तो आपको लगता है कि अब आप व्यापक रूप से सोच सकते हैं, चूंकि अब आप जिला स्तर पर काम करते हैं, फिर राज्य स्तर पर काम करते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी सोच अब बहुत विकसित हो गई है और अब आप पूरे स्टेट के सिनेरियो के बारे में भी अपनी सोच को रख सकते हैं। परंतु मैंने देखा कि ये सारी सोच, ये सारी समस्याएं, ये सारी बातें समस्या प्रधान थी। जब आपको समस्या आती है तो तभी आप, आपका जो माइंड है, आपके जो विचार हैं वो एक्टिव होते हैं, फिर आप अपनी समझ के अनुसार उनको हल करने का प्रयास करते हैं। किसी के विरुद्ध हम डिसिप्लिन रिएक्शन लेते हैं, किसी को हम डांटते हैं, किसी के ऊपर अपने अधिकारियों का प्रभाव डालते हैं और इस तरीके से लाइफ चलती रहती है और काम चलता रहता है। कभी कोई असुविधा होती है, कभी असुविधा नहीं होती है, और अगर हमको असुविधा हो भी रही है तो उसका हमें कोई एहसास नहीं। परंतु जब मैंने यूएचवी की पहली कार्यशाला अटेंड की तो मुझे लगा
कि आपकी जो फीलिंग्स हैं और आपकी जो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, सह स्वीकृति है, इनके बीच का अपना कोई संबंध है। और इस संबंध को समझने के आधार पर मैंने कोशिश किया कि हूँ, और जब मैंने इस पर काम करके देखा तो मुझे लगा कि पूरा का पूरा जीना सब मान्यताओं पर आधारित है। बचपन से जो देखते आए हैं, क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है, सब कुछ उसी पर आधारित है, और उसी के आधार पर पूरा का पूरा जीने का जीवन चल रहा है। और वो मान्यताएं कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी नहीं हैं, इसको समझने का भी कभी प्रयास नहीं किया गया। मेरे से कई साथी थे जो मुझे हमेशा बोलते थे, क्योंकि शायद मैं वेस्टर्न यूपी को बिलोंग करता हूँ, कि टिट फॉर टैट, इससे तो बढ़िया कोई पॉलिसी होती नहीं है, लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। और मुझको भी लगता था कि हाँ ये तरीका तो बढ़िया है, इस तरीके में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी पहली कार्यशाला से मुझे लगा कि नहीं, तरीका तो सिर्फ यही है कि आप अपने फीलिंग्स को देखिए और उसको अपने नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जांचिए। अब मैंने पहली बार शौक में तो ये देख लिया, फिर इसके बाद मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेरे साथी हैं, उनके साथ मेरे कुछ थोड़ी अनबन रहती थी, मेरी उनके प्रति कुछ प्री कंडीशनिंग थी, तो इसके आधार पर मैंने उस पर काम करने की कोशिश की। और एक दो दिन में, पूरे 2 दिन तक, मैं कई दिनों तक इस बात पर विचार करता रहा, इस व्यक्ति को सामने रखते हुए मेरे मन में किस तरह के भाव आते हैं। मैंने देखा कि मेरे मन में बहुत विरोध के भाव हैं। खैर, मैंने उन विरोध के भाव को शांत किया, और फिर मैंने विनम्रता से, मुझे ध्यान आया कि कार्यशाला में हमको बताया जाता है कि जो भी बात आप कहो प्रस्ताव के रूप में कहो, तो मुझे भी लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, तो मैंने उस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव के रूप में अपनी बात रखी। और जब मैंने प्रस्ताव के रूप में अपनी बात रखी, तो जो थोड़ी बहुत हमारी बात होती थी, वो बात होना भी बंद हो गई। वो शायद इसलिए हुई कि अभी तक मैंने पूरी बात को पूर्ण रूप से नहीं समझा था। और जो मेरे सब साथी बात करते हैं कि कार्यशाला को पूरी ईमानदारी से अटेंड करें, और उसमें, क्योंकि ये जो भी आप पा रहे हैं ये सबसे पहले स्वयं के लिए है, जो भी आप खो रहे हैं वो भी स्वयं के लिए है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक आध कार्यशाला हमने अटेंड भी कर ली, जब हम उस पर एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत उलझन आती है। हमारी सीओ सब ने भी कहा कि इसका अभ्यास बहुत कठिन है, और जब मैंने इसका अभ्यास किया तो जो हमारी बातचीत थी वो भी, हमारी बातचीत होना बंद हो गई, तो मुझे लगा कि ये तो चीज काम नहीं करती है। फिर मैंने फिर से ऑब्जर्व किया चीजों को, फिर से देखा कि ऐसा क्या रहा, तो मैंने देखा कि बात तो मैंने बहुत विनम्रता से की, बात मैंने बहुत प्रस्ताव के रूप में भी की, पर मेरे जो भाव थे वो प्रॉब्लम सेंट्रिक थे, मेरे जो भाव थे वो समस्या प्रधान थे, मेरे मन में संबंध वाले भाव नहीं थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध था, और इस कारण से मैं अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के सामने ठीक तरीके से नहीं रख सका। तो दूसरी कार्यशाला में मेरी बात ये समझ में आई कि हम जो भी अपनी बात कहें वो संबंध पूर्वक हम तभी कह सकते हैं जब हमारे मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति संबंधों का भाव है, और संबंधों का भाव होना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष आपके साथ में कि जब हमने पहली कार्यशाला अटेंड की थी, उस पहली कार्यशाला में 190 लोगों में से लगभग 160 लोगों ने इस बात का जवाब दिया था कि जब दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ संबंध पूर्वक बात रखना चाहता है तो आप उससे कितने सहमत हैं। तो अधिकांश लोगों का यही कहना था, मेरा भी यही सोचना था, कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, वो तो कई बार अच्छा करता है, कई बार नहीं करता है, हमारी सब चीजों के बारे में प्री कंडीशनिंग है। तो इस दूसरे नंबर की कार्यशाला से मुझे ये समझ गया कि नहीं, दूसरा व्यक्ति भी मेरे जैसा है, अगर मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूँ तो वो व्यक्ति भी मेरे लिए अच्छा ही चाहता है, ये दूसरी कार्यशाला से मुझे समझ में आया। तीसरी कार्यशाला भानु भैया आए, उनके द्वारा हमको समक्ष में बहुत सारी बातचीत की गई, फेस टू फेस हम लोगों ने बात की, तो फिर बात में बहुत सारी जो जो समझ थी उस समझ का विकास हुआ, और मैं ये समझ पाया कि UHV कार्यशाला एक कैसी कार्यशाला है जो आपको इंडिविजुअलिटी से टोटलिटी की ओर लेकर के जाती है। आप जो व्यक्ति हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, जो आप बने हुए हैं, वहां से समग्रता में इस यूनिवर्स के लिए
कितना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इस बात को एक व्यक्ति से लेकर के पूरे समाज तक के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, टोटलिटी के लिए जाने के लिए अगर कोई कार्यशाला है तो वो UHU की कार्यशाला है, जो ये तय करती है कि मेरी स्वयं के लिए क्या भूमिका है, समाज के लिए क्या भूमिका है, प्रकृति के लिए क्या भूमिका है और पूरे यूनिवर्स के लिए मेरी क्या भूमिका है। और अगर हमको जीवन के किसी भी पड़ाव में ये बात समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि UHV और उसकी टीम के लिए जितनी भी बात कही जाए उतने ही कम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा UHV टीम को, जिनके द्वारा इतना जबरदस्त कार्यक्रम बनाया गया है और जो आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मानस में, किसी बात के लिए हमेशा मार्गदर्शन देता है, आपका पथ प्रदर्शन करता है, आपके विचारों को संतुलित करता है। ऐसा कोई प्रश्न है जिसका उत्तर UHV टीम के माध्यम से ना मिलता हो, जिससे आप कन्विंस ना होते हो, तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यशाला को जब हम अटेंड करें, इसके अभ्यास को हम गंभीरता से लें, तो मुझे लगता है ये कार्यशाला हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए तो बहुत अधिक सफल होगी, सिद्ध होगी। और अगर हमने व्यक्तिगत रूप से कुछ सीख लिया है, समझ लिया है, तो कोई संदेह नहीं कि उन चीजों को हम आगे लेकर के ना जाएं। और शिक्षा के माध्यम से इस कार्यशाला में जो अभूतपूर्व परिवर्तन की संभावनाएं हमको दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक है। मैं पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो निरंतर इस कार्यशाला को चलाते रहते हैं, और सभी प्रतिभागियों को भी बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाल करके इस कार्यशाला को अटेंड किया, क्योंकि अब आप ही आगे चल करके समाज के स्तंभ बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।